वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ HBL सीजन 9 HBL PSL सीजन 9 का ये स्पेशल प्रोग्राम और यहाँ हमारी डिस्कशन लगातार जो कि मैचेस हो रहे हैं PSL में उसके हवाले से हो रही है। कल हमने दो मैचेस देखे उसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में जब हम एक बजे आप लोगों के सामने आए थे तो डिस्कस किया। आज एक और मुकाबला एक और चैलेंज सामने आएगा जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और जहाँ पेशावर ज़ल्मी की बात करें ऑन द ट्रॉट दो मैचेस जीती है पेशावर ज़ल्मी एंड अब तीसरा मैच जब आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पेशावर ज़ल्मी ने कल के मैचेस में गलती की है उसको ओवरकम करने देंगे और तीसरी जीत आ जाएगी पेशावर ज़ल्मी की, या इन कॉन्ट्री जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं जो ऑन द ट्रॉट दो मैचेस हार कर आ रहे हैं, क्या वो तीसरी दफ़ा उस हैट्रिक को रोकेंगे हारने की और जीत हासिल करेंगे। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे ये एक दिन दो दिन में दो मैचेस खेलती हैं टीमें तो ये लीग पूरी देखें तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दो 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 दिन में दो दो मैचेस भी खिलाड़ियों को खेलना पड़ रहे हैं। तो ये जब इस लीग के अंदर हम ये देखते हैं सवेरा कि एक के बाद एक मैचेस एक मैच खिलाड़ी खेल रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, खिलाड़ी थक जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वाली चीज़ भी जेरे बहस कहीं ना कहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आनी चाहिए कि जब लीग में ऊपर तले मैचेस खेल सकते हैं तो फिर हम क्या कहते रहते हैं वर्कलोड मैनेज करें भाई। जब नेशनल टीम से खेलते हैं तो हमारी वर्कलोड मैनेजमेंट सबको याद आ जाती है, मगर जब लीग्स चल रही होती हैं जब जोर का जोड़ की बात करते हैं और जोर का जोड़ की फैमिली की बात करते हैं तो ये बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्डिंग काफी अरसे से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह आपसे हम जुड़े हैं उस तरह हमारी पूरी फैमिली आपसे जुड़ी है। सो यस, हमारी फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई, मुशी भाई, आप कभी ये पूछते क्यों नहीं कि मैं आपको पसंदीदा क्यों कहती हूँ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप क्यों कहती हैं ये तो अब आप मेरे पूछने पे पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं पूछते आप? मैं कुछ और टाइम पे ना अब मेरी ऑब्जर्वेशन ना थोड़ी थोड़ी हाफिज साहब की तरफ टिल्ट पता क्यों हो रही है कि ये बहुत एक्टिंग पे आ चुके हैं। ये इतनी यकीन करें, ये आपने हल्की सी इन्होंने अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया हुआ है, खुला खुला छोड़ा है ये हल्का सा ऐसे से करके ना दो तीन दफा आपको कहा ना कि अब ये बातें तो हो चुकी, दो तीन दफा सर को मारा था ना तो मुझे लगा कि ये एक्टिंग पे ऊपर उतर गई। अब ऐसा क्यों आप क्यों समझती हैं ऐसे? नहीं, मैं इस वजह से ऐसा समझती हूँ कि हमें यहाँ बैठ के तो जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज आपसे आती है, जितने हम क्रिकेटिंग नॉलेज समझते हैं, बट ऑफ द स्क्रीन हमें जो लाइफस्टाइल का तरीका बेहतर होता है हमारा आपकी प्रेजेंस में, दैट इज़ द रीज़न। दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। जैसे आपने कहा फैमिली है, हम बहन भाई बन चुके हैं सारे, एक दूसरे का हमारे रिलेशनशिप इतने हो गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है जो ऑफ जो होता है हम भी सब एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे के लिए ओपन माइंडेड से एक दूसरे की बात की इज्जत रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, इसीलिए ये अल्लाह के शुक्र से ये शो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। बिल्कुल जी। तो अब ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किससे सीखेगा? अपनी गलतियों से सीखेगा और आज उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएगा, बेहतर क्रिकेट दिखेगी हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आई थिंक आज इस्लामाबाद डेफिनेटली पिच उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है, उनके मुताबिक की है लाहौर की। ये क्योंकि ये खुले खेलते हैं सारा, इनका इंटेंट बहुत तगड़ा है, ये बैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं एक्चुअली। तो अब ये पिच जो है ना इनको सूट करती है, अगर यही पिच अगर मुल्तान में होती तो फिर इनको मुश्किल पड़नी थी। आई थिंक ये इनके कंडीशन बहुत सूट करती है, दो दिन का इनको गैप मिल चुका है, उसके ऊपर रीविजिट इन्होंने रीग्रुप हुए होंगे, आई थिंक उसके ऊपर इन्होंने अपने प्लानिंग की होंगी, अपनी गलतियों पर डिस्कस किया होगा। जैसे मैंने कहा शदाब बहुत स्मार्ट लड़का है, क्रिकेट को बहुत अवेयरनेस है उसकी और उसके ऊपर आई थिंक जो पेशावर ज़ल्मी जो है ना एक एडवांटेज भी है एंड सेम टाइम उनको डिसएडवांटेज ये है जो आप दोनों बात कर रहे थे कि वर्कलोड की बात कर रहे थे, तो मैच बैक टू बैक मैचेज जो होते हैं ना बड़ा मुश्किल होते हैं, वो भी नाइट मैच खेल के आप जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, मीटिंग्स आ जाती हैं, सोते नहीं आप प्रॉपरली, आपको रेस्ट नहीं मिलता। सो इनके फास्ट बॉलर्स को बहुत आज ना अपना मेंटली टफ होके आना पड़ेगा। सो एडवांटेज थोड़ा सा ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जा रहा है,
तो आई थिंक बाबर को और उनकी मैनेजमेंट को ये ज़रूर फिक्र करनी चाहिए थी, करनी भी चाहिए कि आई थिंक इस वक्त इनके खिलाफ स्पिनरों को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इन पिच के ऊपर बचने के लिए स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मुशफ़ी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वक्त कम बचता है, आप रात को मैच ख़त्म करके जाते हैं, फिर अगले दिन आपने दोबारा आकर खेलना है, लाइफ तो फिर बहुत टफ भी होती है ना। दूर से नज़र आता है कि शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, बहुत कुछ है, लेकिन इसकी इस तक पहुंचने के लिए और इस पर बरकरार रहने के लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की मेहनत भी है और कुर्बानियाँ भी हैं। वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो भी पिसना पड़ता है। अगर नहीं पिसेंगे तो आपको वो जो फैसिलिटीज़, जो इज्जत, जो आपको पैसा मिलता है, जो आपका अल्लाह ने रिज़्क लगाया, वो थोड़ी मिलता है। फिर इसके लिए पिसना पड़ता है, मेंटली टफ होना पड़ता है। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ अपने टाइम की, इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैंने वसीम भाई को और वकार को देखा है, दोनों को। मैंने कभी नहीं देखा कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के आए हों तो अगले दिन वनडे, तो उन्होंने वनडे छोड़ने की कोशिश की है। पूरा साल काउंटी क्रिकेट खेल के आते थे, फिर फर्स्ट क्लास के मैच का होता था, फर्स्ट क्लास का मैच आके खेलते थे जो अपने डिपार्टमेंट की ओर से। ये एक डेडिकेशन थी उनकी, उनको पता था कि जितनी देर हमने क्रिकेट खेलनी है ना, हमने अपने नंबर और अपनी वैल्यू के मुताबिक खेलनी है। हमारा नाम बन चुका, उस नाम की प्रोटेक्शन के लिए ना आपके पास चॉइस कोई नहीं रहती स्लो होने की, मेंटली थोड़ा सा डाउन होने की। इस आजकल की जो लड़कों को सबसे टफ टाइम मिलता है ना, वो बैक टू बैक ट्रैवलिंग, बैक टू बैक मैचेस, एंड फ्रीडम नहीं है। पीएसएल में फ्रीडम नहीं है, दे डोंट गो आउट। जो आपको फैमिली को मिल सके, रेस्टोरेंट में जा सकें, अपना प्रेशर ऑफ कर सकें। होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आई थिंक दे शुड हैव दैट। लोकल लड़कों को तो ज़रूर फ्रीडम देना चाहिए कि इंडिविजुअली वो अपने घरों को जा सकें, अपने दोस्तों को जा सकें। ये ज़रूरी है। आई नो इट्स टफ, यू नो, लाइक ए टफ कॉल, बट ये सून और लेटर ना, जिस तरह हम पिछले दिनों बहुत अच्छा किया था पीएसएल की मैनेजमेंट ने, कि जब हम थे तो मैनेजमेंट गोरे, जितने भी हमारे अंग्रेज प्लेयर थे या फॉरनर प्लेयर्स थे, उनको कभी गोल्फ कोर्स में लेके जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट उनके लिए बुक किया जाता ताकि दे कैन फील ईजी, यू नो, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए तो इट इज वेरी टफ फॉर दोज काइंड ऑफ गाइस, यू नो, आजकल की क्रिकेट के लिए ये बहुत मुश्किल है। स्पेशली आप हार के जाएं और उसके बाद फिर आप एक अकेले कमरे में बैठे रहें, इट बिकम्स सो डिप्रेसिंग। आप डिप्रेसिंग, आप लड़ना शुरू कर देते हो, आप अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि हर रोज आपने मिलना, हारने के बाद लोग, कई लोगों को इतनी भी हिकमत नहीं होती कि वो क्रिटिसिज्म जो है ना मुंह पे करना शुरू कर देते हैं, लड़कों में करना शुरू कर देते हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, यही तो फोकस है। फ्रेंचाइज क्रिकेट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, जिनकी मैनेजमेंट बहुत हम्बल और बहुत काम होगी, जो अच्छे फैसले करेगी, वो टीमों को गैदर करके जल रखे रखेगी। हारने, दो हारने के ऊपर भी अगर आप लोगों का टेम्परामेंट अच्छा है मैनेजमेंट का, तो वो टीमों को उठा लेते हैं। इसलिए जो कप्तानों का और मैनेजमेंट का रोल बहुत होता है, उनकी माइंड सेट का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का। सो आई थिंक ये बड़ी एक अच्छा पॉइंट है जो आपने रेज किया है दोनों ने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंचाइज भी, जैसे आपने कहा ना, मैं भी श्रीलंका की लीग कर रहा था, तो एक उनका बॉलर था, फास्ट बॉलर, उसको बोर्ड की तरफ से आया कि जी वी डोंट हैव टू प्ले हिम। तो मैंने उस फिजियो को, जो श्रीलंका का फिजियो था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा व्हाई डिड यू सेंड हिम टू द ड्राफ्टिंग देन, अगर इफ यू न्यू दैट यू नो ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज शोल्डर। तो फ्रेंचाइज ने तो उसको पैसे देने हैं, फ्रेंचाइज का तो कोई रोल नहीं इसमें। फ्रेंचाइज ने पैसे दे के ना, भाई 3 मैच लगातार खेलने हैं तो खेलने पड़ेंगे, वी पेड यू, आपके कैलिबर के मुताबिक आपको पैसा दिया। तो इसी तरीके से ये जो माइंड सेट ऐसा होता, मैंने रिफ्यूज कर दिया था, एंड ही हैज टू, दोनों मैच खेला था। अब मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि फ्रेंचाइज का अपनी पर्सनल प्राइवेट डिसीजन करती है ना वो। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, ये हमें बहुत फोकस करने पड़ेंगे। पीसीबी को भी, हमारे मेडिकल पैनल को भी देखना पड़ेगा कि आपने डिसीजन करते हुए वर्कलोड क्या है क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा हमारा और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। बिल्कुल, और बहुत, मतलब वो जो वर्कलोड की बात करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र उस पर ज़रूर रखनी चाहिए। बट कड़ी नज़र जो है वो अब मेरे ख्याल से शादाब खान को अपने ओपनर्स पे भी रखनी चाहिए, क्योंकि मुनरो और एलेक्स हेल्स उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, जिस तरह, जिस जो चर्चा है उनकी, उस तरह नहीं खेल रहे। मैंने जैसे कहा ना कि ये पिच आज उनके लिए बड़ी सूटेबल है। आज अगर दोनों में से अगर 30-30, 35-35 तो कर गए, और कोई खड़ा हो गया दोनों में से, और मैंने कहा ये डेंजरस होंगे। और पेशावर जलमी को मैंने इसलिए कहा ना कि स्पिनर पे अटैक करना चाहिए। आई बिलीव अगर मैं हूँ, मेरे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या कुछ अच्छा स्पिनर हो, तो मैं तो जरूर इनके खिलाफ बॉलिंग करवाऊँ इनको। बिल्कुल, बट एज यू सेड देर इज नो हार्म। कितने मैच होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 3 या 4 3 मैच। अगर 3 मैचों में आपके ओपनर नहीं चलते, देर इज नो हार्म टू चेंज पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, आपको
एक्सपेरिमेंट अभी कर ले हाँ। ताकि अगर आपने अगले चार टीमों में पहुंचना है तो आपको पता चल जाए कि ये लड़का बेंच पे तैयार बैठा है कि नहीं बैठा। एक दो मैच फेलियर भी होंगे फिर भी आपके पास चांस है अब, तो आई थिंक दे कैन एक्सपेरिमेंट नाउ। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट अभी कर ले, मगर एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी कि आजम खान को किस रोल में देखना चाहती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज आजम खान को पिछले मैच में ऊपर भेज के आप एक्यूमुलेटर का काम करवाना चाह रहे हैं आजम खान से, या फिर आप डाउन दी ऑर्डर भेज के पिंच हिटर का काम करवाना चाहते हैं, मगर आजम खान खुद क्या सोचते हैं अपनी इस फ्रेंचाइज के बारे में, कादर ख्वाजा से की उन्होंने डिस्कशन, आपको दिखाते और सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हार्ड हिटर बैटर आजम खान मौजूद हैं। आजम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त कंटिन्यू है, तो कितने गोल्स सेट किए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग को बुनियाद बनाकर आगे जो है वो तमाम पाकिस्तान की सीरीज़ में आने? कादर भाई देखिए, गोल इज़ मैच बाय मैच, क्योंकि आपको पता है हर टीम को यहाँ पर देखना पड़ता है और हर टीम को असेस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से जितने भी बॉलर्स होते हैं दूसरी टीम में उनको टारगेट करना पड़ता है स्पेसिफिक जगह पर, तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी फ्यूचर के बारे में आई ऑलरेडी सेड दिस के आई डोंट वरी दैट मच, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस होगी तो आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में करनी है, वो फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो भी आगे मैचेज हैं उनके अंदर अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें और टीम को फ़ायदा पहुँचाएं। आजम, हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग हो, कोई भी लीग हो, CPL हो, उसमें सिर्फ एक ही नाम आ रहा होता है आजम खान का। मिडल ऑर्डर में आपसे अच्छा इस वक्त जारहाना बैटर कहीं नहीं हमने देखा, लेकिन जैसे ही लोगों की परसेप्शन, ये फिर एक मतलब आप पूछते हैं कि लोगों की परसेप्शन है कि लीग्स में जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं तो क्या हो जाता है, तो क्या हुआ न्यूजीलैंड में, क्या हुआ, क्यों इंटरनेशनल में रन्स नहीं होते? यार देखिए, हर जगह की डिफरेंट कंडीशन हैं और मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरह मुझे परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी उस तरह मुझसे नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे, लेकिन उस हिसाब से फिर परसेप्शन आप लोग बहुत मतलब हमारे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें अभी साइम अयूब को अभी आप इस मिस्टर 360 कह रहे थे और दूसरे दिन आपने उसे बोल दिया कि तो सिर्फ लीग का प्लेयर है, तो ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, आपको कंसिस्टेंटली मौके देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो अभी पाकिस्तान के T20 ग्रेट्स हैं उनको भी हमने 20-25 मैच दिए हैं तब जाके वो ग्रेट बने हैं, सही है, तो जाहिर सी बात है फिर आप मौके दें अपने प्लेयर्स को, अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं तो फिर उनको मौके मिलने चाहिए। हमने ये देखा था कि एक जो अभी हमने कुछ देर पहले आपका एक बयान आया था सामने कि मौके नहीं मिलते, गैर मुल्की कोचेज जो हैं वो मौके देते हैं, तो आपको भी 3 मैचेस मेरे ख्याल में दिए गए और उसके बाद मौका नहीं दिया गया, पहले भी आपका इन एंड आउट रहता है, तो कैसे मतलब क्यों मौके नहीं दिए जाते हमारे कोचिंग स्टाफ की तरफ से, क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं? इनसिक्योरिटीज़ का तो मैं मुझे कुछ नहीं पता देखिए, लेकिन मुझे अब हमारे साथ माइक हैसन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके भी, और जिस तरह आपको पता है मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, जो अपनी ज़्यादातर मेरे कम बैक्स ही हुए हैं, पिछले 4 साल में मेरे 3 कमबैक हुए हैं, तो मैं डिसहार्ट होता हूँ, लेकिन इन दी एंड फिर मैं वरी नहीं करता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ऐसी एबिलिटी दी है कि मैं जब परफॉर्म करूँगा तो अलग ही देखूंगा ग्राउंड में, तो मतलब ये मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव है अपने ऊपर कि मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो क्राउड भी इंगेज होता है उससे और मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपनी बैटिंग को काफ़ी एनालाइज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने अपनी बैटिंग जो है न्यूजीलैंड में भी एनालाइज़ की थी, तो काफ़ी लैप्सेस थे जिसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, PSL में परफॉर्म करेंगे और आगे जाएंगे। मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो दुनिया देखती है, और वाकई जब आज़म खान परफॉर्म करते हैं तो दुनिया देखती है। ये ख़ास बात एक ज़माने में क्रिस गेल के लिए कही जाती थी कि जब क्रिस गेल अपनी उसमें होते फ्लो में होते हैं तो उस वक्त फील्डर्स जो है वो स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं, स्पेक्टेटर्स फील्डर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली यही CPL में जो है वो आज़म ने करके दिखाया, मगर सवाल फिर वही आता है आज क्योंकि हेल्स अवेलेबल नहीं है इस्लामाबाद के लिए, क्या इतना आउट ऑफ द बॉक्स खेल सकते हैं और आज़म को ओपन करवा सकते हैं? It's a very good call, actually. Honestly speaking, it's a very, very good call. Riley Rosso को जो 242 चेज किया था मुल्तान सुल्तान ने, उसमें ओपन पे भेज दिया था। Yes. और ओपन पे जाके उसने जो पहले 6 ओवर में प्रकाश दी थी, वो अगर आजम खान के पास इतनी पोटेंशियल है कि 6 ओवरों में, अगर सिर्फ डर ये है कि इज ही कम्फर्टेबल फेसिंग, क्योंकि यंग है, अभी फास्ट बॉलरों को इतना तगड़ा नहीं खेला हुआ, नया बॉल नहीं खेला हुआ,
एक माइंड सेट होता है नए बॉल को फेस करने का, वो माइंड सेट अभी इसका तैयार नहीं है. बट इट्स अ ग्रेट कॉल. आई वुड लाइक टू टेक चांसेस सून और लेटर कि अगर ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल जिसकी टेक्निक भी बुरी नहीं है, मतलब सारे पासे खेल लेता है, हर तरफ खेल लेता है, मतलब कवर पे भी खेल लेता है, मिड ऑन पे भी खेल लेता है, हर तरफ खेल लेता है, तो ऐसे प्लेयर को आई थिंक ट्राई नहीं है कोई. मेरा ख्याल है पिच अगर स्लो कर सकते हैं. दिस वुड डिपेंड कि शायद अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग कर रहा हो तो, क्योंकि दूसरी बैटिंग में ऑब्वियसली वो पूरी कीपिंग करके आया हुआ होगा एंड अचानक गेटिंग रेडी फॉर बीइंग एन ओपनर. I think इतना फर्क नहीं पड़ता विकेट कीपर को, 20 ओवर में नहीं फर्क पड़ता, वो टेस्ट मैचों में पड़ता है. इवन 50 ओवर में कई दफा कई ओपनर का गिलक्रिस्ट को देख लें, वो उसको देख लें, साउथ अफ्रीका के नाम है जो रिटायर हो गया अभी, एबी डिविलियर्स, नहीं ये अभी खब्बा, क्विंटन डीकॉक, डीकॉक देख लें आप, बटलर को देख लें, कितने लोग हैं, जॉनी बेस्टो को देख, संगाकारा ओपन करते थे. तो ये 4 डे टेस्ट मैचों में मुश्किल है, बट आई थिंक 1 डे और 2020 में मुश्किल नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आज़म को प्रैक्टिस की जरूर करनी चाहिए. और ये अच्छा बोलता, बहुत अच्छा है, मतलब यू नो ही स्पीक्स वेरी वेल और ही मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस इन क्रिकेट. एक्चुअली बहुत अच्छी क्रिकेट की बात करता है. और जो उसने बताया कि जो फॉरनर कोचेज की बात की आज़म खान ने, कि वो हमें ज़्यादा कंसिस्टेंट चांस देते हैं, इसके पीछे अगर देखा जाए तो हमें ये सवाल करना चाहिए लड़कों से कि कंसिस्टेंसी किसका नाम है, 4 मैचों का 5 मैचों का 6 मैचों का, तब जाके आपको रियलाइजेशन होती है. क्योंकि आई थिंक आज़म का जो कहने का मतलब है कि हमें 3 मैचों के बाद जब हमें ड्रॉप कर दिया जाता है तो हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करते. और जो आई थिंक बाहर वाले कोच हैं वो ज़रूर कन्वर्सेशन करते हैं कि जी आपको इस रीज़न से बिठाया गया. बिल्कुल. और कंसिस्टेंसी की बात करें तो सबको ये याद रखना चाहिए कि जब हम अब बाबर आज़म की बात करते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट बैटर्स इन पाकिस्तान, सो बाबर आज़म को कंसिस्टेंट रन मिला था अंडर सरफराज अहमद एंड मिकी आथर, तभी बाबर आज़म बनकर आए थे. तो दीज कंसिस्टेंट रन्स आर इम्पॉर्टेंट, बट देर आर मेनी अदर बाउंड्रीज जिसको मार्क करना पड़ेगा एंड टिक मार्क करना पड़ेगा. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सो माई फेवरेट सेगमेंट प्रिडिक्शन भी अपने एनालिस्ट से जो है वो जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल. बात हमारी हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी, जिसका आज मैच होने वाला है. थोड़ी देर में शुरू होगा गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला. और जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑप्शंस क्या हैं उनके पास ओपन करवाने के लिए, बिकॉज हेल्स की अवेलेबिलिटी अब कराची में जाके जब मैचेस होंगे इस्लामाबाद के तो हेल्स वहाँ पर मौजूद होंगे. एक और मोहम्मद वसीम इनके पास ओपनर हैं जो कि UAE से फॉरेन प्लेयर हैं, 153 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 38 की एवरेज है उनकी T20 इंटरनेशनल्स में. आई एम सॉरी टू कट यू, स्ट्रेट वे यू हैव हिम, बहुत उनको देखा है पर्सनली, ही इज अ वेरी वेरी फाइन क्रिकेटर, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और रिसेंटली उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी लगी हुई है T20 में, उसमें भी और मैंने 3-4 दफा उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब दूसरी लीग्स में देखा. And he is a very, very good opener. He can change the game so well. Okay. और उसकी technique भी बुरी नहीं है. तो I think इसलिए मैंने आपको बीच में इसलिए टोक दिया कि I think they should actually take a chance on him. They should. Straight away. मुशफ़ भाई, ये जो पेशावर की बात हम कर रहे थे अभी कप्तानी के हवाले से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव भी बना सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर से मदाखलत होती है या पैगाम आते हैं तो हर खिलाड़ी के साथ कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक दूसरा ख्याल जहन में आती है जो उसकी तवज्जो को तकसीम का बायस बनता है? दो तीन चीज़ें हाफिज़ साहब इसमें, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. प्लेयरों को मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि मैं बाहर से एज ए हेड कोच आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, कप्तान डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, सबके सामने ये कहनी पड़ेगी. अगर आप सबके सामने नहीं कहते तो जब चीज़ें अच्छी नहीं गई, एक दो मैच हार गए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़राब हो जाती हैं. प्लेयर कहते हैं कि बाहर से बैठ के आप क्यों हमें बता रहे हैं, मेरा प्लान यॉर्कर था आप कह रहे हैं स्लो बॉल करो, मेरा प्लान था कि मैं बाउंसर मारूं आप कह रहे हैं यॉर्कर मारो. तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, इसलिए तो अच्छे कोचेस होते हैं ना, मेरा बिलीव है कि वो फिर पूरी प्लानिंग करते हैं मैच से पहले देख के, कंडीशन को देख के, प्लान देख के, फिर लड़कों को कहते हैं यू आर अ प्रोफेशनल, वी गेव यू दैट प्लान, यू शुड गो एंड एग्जीक्यूट. अगर वो नहीं करता शाम को जाके या अगले दिन रिव्यू हो तो फिर मैं पूछूं भाई क्यों नहीं किया, क्योंकि एक मैच की बात नहीं, यहाँ 8 मैचों की बात है. 8 मैचों में एक मैच के चक्कर में आप बंदे का दिल खराब कर दें, वो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ही ना कर सके, बिकॉज ही इज वरीड अबाउट यू कि व्हाट यू थिंकिंग आउट देयर.
rather than what I am thinking. Because गेंद तो मेरे हाथ में ना, बल्ला तो मेरे हाथ में ना, फील्डिंग तो मेरे हाथ में, मैंने करनी है ना. तो समटाइम यू लेट द प्लेयर एग्जीक्यूट द प्लान, उनका फेलियर हैंडल करो, उनकी सक्सेस को मैनेज करो. यही एक स्मार्ट कोचिज और मैनेजमेंट का काम होता है. सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ये ओवरबोर्ड है ये काम. बिल्कुल. और कैप्टन फिर ओनरशिप लेगा, अगर आप कैप्टन के मामले में या प्लेयर के मामले में ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो अपनी गलतियों की भी ओनरशिप लेगा और अपनी अगर सक्सेस होगी तो उसकी भी ओनरशिप लेगा. बट प्रेडिक्शन मैं नहीं खेलता ये गेम. सो यस, वक्त हो गया प्रेडिक्शन टाइम का. एंड वक्त हो गया प्रेडिक्शन टाइम का. सो इट इज द प्रेडिक्शन टाइम. क्या थी कल की प्रेडिक्शंस और क्या रिजल्ट रहा उसका और फिर आज की प्रेडिक्शन. बहुत गंदी कप्तानी की शाहीन ने भी और राइली रोसो ने भी. आई डोंट लाइक देम एनीमोर. दोनों ने दोनों को चूज किया. प्रेडिक्शन टाइम दिखाते हैं प्रेडिक्शंस. कल क्या प्रेडिक्शन की? क्वेटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान? क्वेटा जी. दूसरे मैच का भी बता दें, लाहौर कलंदर्स पेशावर जलमी. यहाँ पे मैं पेशावर के साथ जाऊंगा. हाफिज, आप बताना चाहेंगे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स. क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स. जी मुशी भाई. आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर जलमी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जलमी. नहीं, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन. सो जल है. क्वेटा ग्लैडिएटर एंड लाहौर कलंदर. जी, योर प्रेडिक्शन? लाहौर कलंदर एंड यू नो क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ये भी बताएं ना, ये अगेंस्ट जाएंगे. मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर जलमी. पूरा होमवर्क करके जो बंदा आता है, देखे दोनों, ये सबसे ज्यादा अफसोस है क्योंकि लीड बढ़ती जा रही है. लीड बढ़ती जा रही है, तो फिर प्रेशर है. आखिर में पलटी क्यों मारते हैं? मेरा ख्याल मेरे नेबर की वजह से. उनका रिफ्लेक्ट पड़ रहा था. नहीं नहीं, मैंने पता क्या समझा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहा कि आप देखें हारिस रऊफ बाहर हो गया, पाँच चार मैच ये हार चुके हैं. अब मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा एक टीमों के पास होता है excuse, कि nothing to lose, just go and express themselves. बॉलिंग तो इनकी तगड़ी है ही, फास्ट बॉलिंग. तो मैंने कहा शायद आज ना ये दिल से खेलें और घबरा के ना खेलें. तो खेले तो नहीं दिल से. जो टेबल है जी, प्रेडिक्शन टेबल, उस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल है उस प्रेडिक्शन टेबल की. और कितनी खुशी से मैं दिखा रही हूँ ना वो टेबल, इस वजह से. नहीं, पिछले तीन मिनट से खुशी ही खुशी है. जी, वो जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बता रहा है कि सवेरा पाशा साहबा लीड कर रही हैं और बहुत बड़ी लीड के साथ. ये जब हम इंतखाबी नतायज बयान करते हैं ना, तो बहुत बड़ी लीड के साथ 75. अभी मैं 7 पोलिंग पड़े. 12 मैचेस में से 9 इनके ठीक हुए हैं, 3 गलत हुए हैं. 18 पॉइंट्स और सबसे ऊपर दूसरे नंबर पर मुश्ताक अहमद साहब. 12 मैचेस इनमें से 6 ठीक हुए हैं, 6 गलत, तो 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर. तीसरे नंबर पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब हैं जी. 12 मैचेस में से 4 इनकी ठीक हैं, 8 गलत हैं और 8 पॉइंट्स. मोमिन साकिब साहब के भी 12 में से 4 ठीक हैं, 8 गलत और 8 पॉइंट्स. और शायद आफरीदी साहब 12 मैचेस शायद भी हमारे साथ चल रहे हैं. नहीं, लालक तो जीते हैं, कल तो जीते हैं, एक जीते हैं. कोटा ग्लेडर को उन्होंने कहा था, पेशावर जलमी का कहा था, पेशावर जलमी में तो शायद जीते हैं. और पीजे मीर साहब को 3 पोलिंग स्टेशन से कोई वोट नहीं पड़ा. हाँ जी, आवाम ने उनको रद्द कर दिया. आवाम ने उनको कह दिया नो मोर पॉलिटिक्स फॉर यू. क्या बात है मुझे भाई. सो एक दफा फिर से सब तालियां बजाओ मेरे लिए, मैं टॉप पे हूँ. चले जी, आज की प्रेडिक्शन. यार तालियां कम बारो, कानों में पड़ रही है. ऐसी करते हैं ये हारने वाले, कहते हैं फॉर्म 45 ले आए. क्या बात है मुझे भाई. मुझे भाई फॉर्म 45 में 47 में दोनों में आ गए हैं. हमारे मुंह को तो नहीं रोक सकती ना, हम तो कैसे कर सकते हैं. तो चले आज की प्रेडिक्शंस. इट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी. कौन सी है आज की आपकी टीम? बाद में बताऊंगा, आखिर में बताएंगे. हाँ, आखिर में बताऊंगा. ठीक है, हाफिज, व्हिच इज योर टीम? पेशावर. पेशावर जलमी. मोमिन साकिब भी कहते हैं पेशावर जलमी. साथ ही साथ आप लोगों ने प्लान किया हुआ क्या कि आप लोगों की कौन कौन सी टीम है? खैर, लाला की टीम अभी तक हमें नहीं पता चली है, आपकी टीम. आप बताएं पहले. इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मी आल्सो. आप मेरे साथ आते हैं ना, हार जाते हैं. या मुशी भाई, या मुशी भाई के अपने पॉइंट्स तो नीचे हैं, कहते इसको भी.
मामा मुझी भाई क्या ना खेलेंगे ना खेलने देंगे खेलने देंगे ये तो इस वक्त ऑनेस्टली ये काम जो है वो लाहौर कलंदर्स कर रहा है। मैं कल देख रही थी कि लाहौर कलंदर्स ने पिछले 3 मैचेस में बाकी जो टीम्स हैं उनके रन रेट को बर्बाद कर दिया। इतने करीब आके जो रन रेट लोगों के पॉजिटिव्स में थे या दो दो, मुल्तान सुल्तान वॉज एट 2 रन रेट, सबसे हाईएस्ट था मुल्तान सुल्तान एंड एकदम से वो रन रेट गिर गया बिकॉज इतना क्लोज मैच आके जीत हासिल हुई। सो जहां हम इन दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमने प्रिडिक्शन तो कर दी है कि हाँ जी इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड कंजेकटिवली 2 मैचेस हारता हुआ आ रहा है एंड पेशावर जलमी हैज़ गेज दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट मोमेंटम। दो कि कल शायद लाहौर कलंदर्स बेहतर खेलती तो नहीं जीत पाता पेशावर जलमी, उससे फ़र्क पड़ता है मेंटली कहीं? ऑफकोर्स आपकी जो जो जैसे पहले आपने रन रेट की बात की, रिमेंबर दिस, जो टीमें अच्छी होती हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, वो फोकस करती है रन रेट के ऊपर। उसकी वजह पता है कि चौथी टीम हमेशा रन रेट पे 70% समटाइम रन रेट पे ही आती है, क्योंकि दो टीमों में आखिरी फिफ्थ और जो फोर्थ टीम होती है ना वो बहुत कम्पीट कर रही होती है आपस में। सो आई थिंक रन रेट का भी असर पड़ता है और जो हारे जो हार होती है ना वो बहुत डाउट क्रिएट करती है आपके अंदर, आपकी सिलेक्शन के अंदर, आपके फैसलों के अंदर। इसलिए मैं शदाब को थोड़ा सा बेनिफिट देता हूँ, शदाब इस मामले में बहुत तेज़ है। आई थिंक उसके अंदर एक चीज़ है, वो प्रेशर अपने ऊपर भी इतना जल्दी हावी नहीं करने देता और लोगों के ऊपर भी नहीं करने देता एज ए कैप्टन, और उसको बहुत फुल सपोर्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी है। जैसे आजम ने कहा कि हेजमैन, आई थिंक उनका माइक हेजमैन, उनका माइक हेजमैन नहीं जी जी, आई थिंक उसका नाम कुछ और था, तो खैर वो न्यूजीलैंड के कोच थे जो, आई थिंक वो आजम खान ने कहा कि आई थिंक सम टाइम ऐसे कोच की जरूरत होती है 2 मैचों के हारने के बाद प्लेयरों के अंदर डाउट ना आने दे, ये लड़कों को ना कहो प्लीज डोंट गो इन द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे जाके ये ना कहना कि उसकी वजह से आ रहे हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। ये बातें आपको मीटिंग्स में कई दफ़ा करनी पड़ती हैं कि लड़कों के अंदर डाउट ना क्रिएट हो, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज ना करें, ब्लेम गेम ना खेलें। जब आप ऐसा करने से बचा लेते हैं ना एज ए कोच, तो आप यकीन मानिए कि जो आप 2 मैचेस के बाद, 4 मैचों के बाद मुल्तान सुल्तान अगर चैंपियन हो सकती है, वो सिर्फ रीज़न मैं बता रहा हूँ कि पीछे जो जितनी भी मैनेजमेंट थी, एनडी हो गया, हैदर हो गया, रिजवान हो गया और बाकी जो कोचेस थे, अजहर हो गया, अब्दुलरहमान, सारे यू नो, एक भी थे, एक एक था, मैं पीछे था, सबसे था, लैंग्वेज एक ही थी सबकी, हैव नो डाउट, हैव नो डाउट, क्लैरिटी, सब no एक पेज पे, एक पेज पे, कोई यहाँ पे हार जीत जो है ना एक दूसरे को ऊपर नहीं डालनी। सो ये एलिमेंट के बाद जब दूसरे, जब 5वां 6वां मैच हुआ, फिर उसके बाद देखें, आई थिंक आई वॉज लिसनिंग टू यू इन योर वन ऑफ द शो, उसमें यही कहा गया कि 5 मैच अगर लाहौर कलंदर अगले जीतती है ना तो लाहौर के अंदर स्टिल कैन क्वालिफाई, स्टिल कैन, यस, मस्ट विन, सारे मैचेस मस्ट विन हो गए उनके। मैं कह रहा हूं कि इट कैन हैपन, यस, बट बिलीव हैज टू बी देयर, बिल्कुल बिलीव के साथ जाएंगे। कितनी लोग कितनी बारी कहते हैं 92 का वर्ल्ड कप, बिलीव ही तो था, और तो क्या था, कोई बनना बंदे ना बंदे, बिलीव था, उस बिलीव के ऊपर देखें रिजल्ट अल्लाह कैसे दे। बिल्कुल बिलीव बहुत जरूरी है। आप लोगों को किस टीम पे बिलीव है, जरा माइक तो उठाएं और बताएं कि आज आपकी टीम कौन सी है। माइक उठाओ, टीम बताओ। हाँ, वेरी गुड। मेरी टीम पेशावर जलमी। क्यों? क्योंकि मैं पहले साल से पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा डैरन समी की वजह से, तब वो खेलते थे और अब उनके वो हेड कोच हैं, इसलिए बस। ठीक है जी, पेशावर जलमी का एक वोट हो गया यहाँ पे। आप बताओ। पेशावर जलमी। कलर आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहना हुआ है। पेशावर जलमी इसलिए उनके पास पावर हिटर्स ज्यादा हैं और लाहौर का पिच जैसे भी है वो बैटर्स के लिए अच्छा है, तो इसलिए। ठीक है, आप बताओ। इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों? पावर हिटर्स बहुत है उनके पास, आजम खान भी बड़ा पसंद है मुझे। आजम खान और पावर हिटर्स, बाकी पावर हिटर्स की तो है लाइन एक। आप बताओ। पेशावर जलमी। पेशावर जलमी क्यों? बाबर आजम। बाबर आजम की वजह से। हाँ, कल बड़ा वो था, कंट्रास्ट था, एक तरफ जो है शाहीन के चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ बाबर के चाहने वाले थे। तो आप बताओ। पेशावर जलमी। पेशावर जलमी बाबर की, बाबर की वजह से। अरे वाह भाई, तो ये जो है पेशावर जलमी के ज़्यादा यहाँ पे फैंस बैठे हैं। और कौन इस्लामाबाद को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये मेरी और मुशी भाई की टीम में से कौन है? मैं बदलने लगा हूँ। मैं बदलने लगा हूँ। अच्छा जी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? इनको भी दें जरा माइक। पेशावर जलमी को। अच्छा, बाबर आजम की वजह से। और भाई ये जो है ना, ये हमारी यूथ में जो बाबर आजम की फैन फॉलोइंग, दैट इज कमेंडेबल। जिस तरह फैन फॉलोइंग है जी। पेशावर जलमी। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा, होए 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 होए। मैं
मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि शादाब खान भी काफ़ी टाइम जो है ना पावर हिटिंग करता है और मैच को पलट के दिखा भी सकता है कभी कभी, उसमें ये क्वालिटी है। तो मैं इसलिए अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी को याद नहीं आ रहा कि शाह ब्रदर्स भी हैं और शाह ब्रदर्स मौजूद हैं। तो यस आज नसीम खेल मुझे सही कह रही हैं आप कि किसी एक लड़के ने नसीम शाह का नाम नहीं लिया। हाँ क्यों, किसी को नसीम शाह नहीं आई? वैसे नसीम तो इस वक्त आई थिंक इज द ही इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स राइट नाउ इन दिस पीएसएल। उसका नाम क्यों नहीं ज़हन में आया किसी के? चौके छक्के देखते हैं, बैटिंग पे ज्यादा लाइक। हाँ ये चौके छक्के वाली जो बात आ जाती है नसीम शाह। नसीम शाह के साथ हमने उबैद को भी खेलते हुए देखा, हुनैन को भी खेलते हुए देखा। यू बीइंग अ कोच, आपसे कहा जाए कि इन तीनों में से नसीम तो खेल ही रहा है, बाकी दो और किसको, दोनों में से किसको खिलाया जाए, कौन सा आप चूज करेंगे दोनों भाइयों में से? आई थिंक कल मेरी परसों मुझे वकार से लकीली मुलाकात हुई, तो ही वाज सेइंग के दोनों तीनों भाइयों में पोटेंशियल तो है। हुनैन का ये है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी खेलता आ रहा है, अब उसका टेम्परामेंट उसके पहले ओवर से शो हो गया था। जबकि दूसरा जो तीसरा भाई है जो सबसे छोटा उबैद है, आई थिंक उसका उसको भी उसकी पेस भी ठीक है, सब कुछ उसका भी ठीक है, मगर एक्सपीरियंस नहीं है। सो मुझे अगर चॉइस मिले तो मैं तो हुनैन और नसीम के साथ जाऊँ। हुनैन और नसीम दोनों के साथ जाऊँ। हुनैन और नसीम। अच्छा ये जो अभी आप कप्तानों की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि शादाब के जो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं, कुछ उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है जिस वजह से ये बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहा है? मुल्तान में ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इवन शान की तरफ भी देखें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें किसी हद तक ठीक अपनी जगह पर नज़र आती हैं। आई थिंक ये स्ट्रेंथ होती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रोल प्लेयर्स, जो ये कंसिस्टेंसी होती है ना, जिस तरह लाहौर के अंदर को हम क्यों पोस रहे हैं, क्योंकि कभी कोई ऊपर जा रहा है, रजा सिकंदर नीचे बैठ, सिकंदर रजा नीचे बैठा हुआ है, आपका दूसरा मेन प्लेयर जो दो तीन मेन बैट्समैन वो नीचे बैठे हुए हैं, आप अपने दो लड़कों को ऊपर भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें डाउट क्रिएट करती हैं और प्लेयरों के अंदर डाउट आ जाता है। आई थिंक इसीलिए आपने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की उसकी वन ऑफ द रीज़न दे जस्ट शफल टू मच। यस, ज़्यादा शफल करते हैं और उससे क्लैरिटी नहीं पता चलती, आपके अपने प्लान्स की क्लैरिटी नहीं पता चलती कि आप कौन से प्लेयर को क्या समझ के खिला रहे हैं और क्या उसका रोल है। सो रोल क्लैरिटी एक टीम की जीत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बट यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई है कि वक्त ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा एंड हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।